आई एम नॉट अ गुड हस्बैंड। फिर आपके बाल ही नहीं। हेलो नमस्ते, हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। आई होप आप सबकी नवरात्रि बहुत अच्छी जा रही है, मेरी तो बहुत अच्छी जा रही है। तो आज है डे 6 नवरात्रि का और मैंने कैरी की है ये साड़ी। और ये साड़ी जो है, देखिए इसका जो ये बॉर्डर है बहुत प्रिटी सा है ना, ये बॉर्डर एंड देन ये जो पल्लू है। तो वैसे ये साड़ी मेरी दादी ने मुझे दिलाई थी शादी से पहले और उसके बाद मैंने आज ये सेकेंड टाइम पहनी हुई है। और मैंने बनाई है ऐसे अपनी हेयर स्टाइल, लाइक छोटी करी हुई है। और बस अभी आज बज रहे हैं 10, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गई मैं उठने में, मेरे को आज थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। पानी भी कल, पिछले कल बहुत बहुत कम, मतलब दिन में एक ही ग्लास पी पाई थी, तो समहाउ उस वजह से शायद डिहाइड्रेशन हो गया और मेरे को वीकनेस लग रही थी। बट अभी मेरे को बिल्कुल अच्छा लग रहा है, नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब हम प्रवेश करेंगे पूजा, मतलब मैं प्रवेश करेंगे पूजा। और आपको एक और बात बता दूँ, आज प्रवेश ने पूरा खाना बना दिया है। आज दाल चावल बनाना था तो दाल चावल बना दिया है, दाल बना दिया। ही मेड द ब्रेकफास्ट एज वेल टूडे एंड नहा धो के वो रीडिंग वीडिंग करके अपना रेडी है। तो आज वो मुझसे पहले उठ गया, जैसे मैंने बताया मैं आज लेट उठी हूँ। तो यस, चलिए पूजा करते हैं और नवरात्रि के दिन की शुरुआत आरती से करते हैं। माता सुने हैं माता सुनी तू माता सपर तमेव विद्या रविनंदनो। अब हम जा रहे हैं मंदिर और मंदिर से आके प्रवेश निकलेंगे ऑफिस और मैं अपना काम करूंगी। चलो बेटू, 10 बजे स्टार्ट करना था। जा रहे हो? यस। बाय बाय। सेंट्रल फ्रेश का पैकेट कैसे मिले? लड्डू नारियल की शक्ल के। हास्ता ला विस्ता। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। बाय बाय। शूटिंग चाबी। इतना जानबूझ कर कर रहे थे, जानबूझ कर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। गाइस अभी मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट फ्री। अभी तो नहीं हुई है फ्री, बस अभी पोछा लगाना बचा हुआ है। आपको बता देती हूँ, मैंने खाना तो प्रवेश ने बना दिया था, पर दाल में मैंने तड़का लगाया, बॉईल की थी उन्होंने तो। और फिर टिफ़िन पैक कर दिया है, छाछ बना दिया है मस्त, मिर्च और धनिया डाल के, नमक डाल के वो भी पैक कर दिए इन लोगों के लिए। तो टिफ़िन कर दिया है पैक, दूध कर दिया गर्म, दही जमा दी है और अभी मैं अपना बना रही हूँ खाने को। ये देखिए, तो अभी मेरा ये हलवा बन रहा है खाने को एंड देन बस पोछा लगाना बचा है एंड मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। फिर मैं कपड़े चेंज करूँ क्योंकि नहा तो मैं चुकी हूँ, फिर कपड़े चेंज करके खाना खाऊँगी। दैट्स इट। देखिए मैं यहाँ पे कैंडल मेल्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं को एक दूसरे बाउल में डालना था। आई एम सॉरी फॉर दिस फॉग। मेरे पास ऐसी कैंडल्स बहुत ज़्यादा है तो मैंने इसको मेल्ट कर रही हूँ। ये देखिए मेल्ट हो रही है ये, और फिर मैं इसको न्यू कैंडल में लगाऊँगी, आप लोग को दिखाऊँगी कैसे लगाती हूँ। तो मैंने कर लिए हैं अपने कपड़े चेंज कर लिया, पूरा घर का काम सब कुछ क्लीन कर दिया है और अब मैं करूंगी अपना फलहार। A few moments later. देखिए यहाँ पे ये पूरा मेल्ट होने लगा है और मैंने इसमें डाल दिया है परफ्यूम। और इसमें ये देखिए, मैं यहाँ पे ये मेरे पास फ्लावर रखे थे जो मैंने माता को चढ़ाए थे, तो ये सूख गए हैं आज, तो इसलिए इनको बीच बीच में डालूंगी। सबसे नीचे इसको डाल दिया एंड देन पे बीच में डालूंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा दूंगी ये, ताकि ये गिरे ना। ठीक है, यस, हमको ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गरम गरम में। बेसिकली मैं भी देख सकती हूँ कि बहुत छोटा सा लगा हुआ है, लेकिन लेट मी चेक किए, इसको रख देते हैं जब तक ये सूखे ना एंड फिर देखेंगे कि कितना हुआ है। तो जब तक वो कैंडल होगी, जब तक मैं अपना फलहार कर लेती हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ, क्योंकि मैं फलहार करते करते या तो किसी की व्लॉग्स देखती हूँ या फिर कुछ सीरीज़ देखती हूँ, सो
अभी मैं पहले फलहार कर लेती हूँ। अब मैं इसे निकाल रही हूँ और देख रही हूँ कि ये कैसे जमा हुआ, और ये अच्छे से जम गया है। ये पुराना था ना मेरे पास, तो ये यहाँ से जल भी गया है, लेकिन आप इसको इग्नोर करें। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कैची से काट दूंगी, ताकि ये, या काटूंगी नहीं, ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि इसमें और भी कैंडल भर सकती हूँ मैं, है ना। तो अभी के लिए इसको रख देते हैं इसमें, क्योंकि ये दिखती नहीं है जब यहाँ से जलता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ लाइट ही लाइट दिखती है और अंदर वो इतना दिखता नहीं है। तो आई प्लेस इट हियर सो दैट ये अच्छे से आ जाए। ये देखिए, 6.5 hours later. मैं क्लास लेने आई थी, शाम को मेरी क्लास हो गई खत्म, हम जा रहे हैं घर। और इनसे इंसान को देखो देखो देखो, कुछ न कुछ गप गुप खाते ही रहते हो। ये सारा सामान मैंने तीसरा के पास पकड़ा है, क्योंकि आई एम नॉट अ गुड हस्बैंड, दैट्स व्हाट शी वांट्स टू शो। मैंने नहीं ऐसा नहीं, दो तीन बार मांगा बट मना मना किया, तो बोलते व्लॉग भी बनाओ। ओ नहीं, आप बोलते आपकी छिंगी टूट जाएगी। छिंगी क्या होती है? चलो कोई बात नहीं, जब तक मैं आपको दूंगी फिर आप गेट खोलोगी, फिर इससे अच्छा मैं ये चलती। व्हाट इज छिंगी? दिस छोटू वाली फिंगर। अभी आपको बोला मैंने एक चीज बनाई है, दिखाती हूँ तो आपको क्या लगा कि मैंने कुछ खाने का बनाया है? ये खबोड़े हो, देखो मैंने एक चीज बनाई। कैंडल? ये किस चीज़ से बनाई आपने? कैंडल थी वाइट कलर की मेरे पास, उसमें मैंने परफ्यूम डाला और मेल्ट की, और जो भगवान जी को फ्लावर्स नहीं चढ़ाए थे उसकी पत्तियां इसमें डाल दी। माय गॉड, सो क्रिएटिव है आपको। बता, मैंने बताया था आपको ऐसे करना है। क्या छूट इधर, डू लड्डू लड्डू कुकू लड्डू वो। अब बनाना है खाना, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको आटा सानना है और रोटी बनानी है कैमरा और मैं बनाऊंगी सब्जी और अपना खाना, अपने व्रत वाला। उससे पहले मैं करूंगी पूजा, जब तक मैं पूजा करूंगी तब तक आटा सान दो। हाई फाई हाई फाई। तो गाइस लाइट अभी खाना बनाते बनाते फिर चली गई है, और आप लोग को भी लगता होगा ना कितनी लाइट जाती है, बट जो अभी आपको दिख रही लाइट वो इन्वर्टर की है। एनीवेज मैं बता रही थी कि मैंने सब्जी बना दी है लोग की, अपने लिए फलहार बना लिया है, खिचड़ी बनाई है आज साबुदाने की, और उसके बाद रवेश ने आटा गूंद दिया था तो मैं रोटी बना रही थी। फिर लकी भाई आ गए, लकी भाई मेरे साथ चपातियाँ बनवा रहे हैं, प्रवेश ने बना दिया नींबू पानी मेरे लिए, क्योंकि अब हम निकलेंगे जिम, तो जिम में मिलते हैं। बाय बाय। कितनी जल्दी जल्दी सारे काम किए, रेडी भी हो गई होगी, किसी की बेबी इतनी तेज बताओ। मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में? क्या बेटो तुम बारे में इतना नहीं बोलते जिम हो गया डन गाइस, आप लोग भी जिम जाया करो अगर नहीं जाते हो तो, इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट। चलो अब चलते हैं घर और नहा के खाते हैं खाना। बट दीज गाइज आर स्टिल इन द जिम, मतलब लोग जा चुके हैं पर इन लोगों को नहीं जाना है। लाइट भी बंद कर दी जिम वाले ने बताने के लिए कि बस हो गया ख़त्म, टाइम हो गया, लेकिन नहीं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओवर एक्टिंग की औलाद। क्या बोल रहे हो? डर जाते हो तेल डालने से पहले? मेरे तो बाल इतने इजीली हो जाते हैं। फिर आपके बाल ही नहीं इसको बस बात तो सही है क्या बोलते हैं इसको? बस कट। इसको बोलते हैं कुछ कट नहीं, जो थैंक यू मेरे तेल लगाने के लिए बालों में। मैं कितने दिनों बाद तेल लगवा रही हूँ ना, बहुत टाइम डेली वाला हो भी सकता आपके नाल सर। ठीक है गाइस, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। शेयर करो, ब्लॉग शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, कर दो भाई कर दो, तब से मैं यही सुन रहा हूँ शेयर नहीं कर रहे, कर दो। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।